चलो हाथ कैसे चला रहे हो आप, हाथ कैसे चला रहे हो? सोनू और कसाना वगैरह पीछे है, वो लगा दीजिए सीबी के अंदर घुसने ही नहीं देंगे। अभी बता रहा हूँ किसी खोले के भी लगने लग गया बोले। भैया कहानी ये बनी है कि नहीं आ रहा कोई, मुझसे बात कर लो कैसे डीजे को मना कर दिया। अब बहुत इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं बैठ के। भाई सभी को राम राम, एक और नई वीडियो में कावड़ यात्रा स्पेशल की। और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें छोड़ दो, बस खाली मेन बात ये सुनो कि डीजे आने वाले थे अंदर को और अचानक से उनको बाहर के बाहर निकाल दिया गया रामपुर तिराहे से। उसको लेके जो भी बातें बातें हैं वो बाद में करेंगे, पहले फटाफट आप लोगों को दिखाना जरूरी है। सब लोग वेट कर रहे थे, इतने कमेंट्स आए हुए थे डीजे के लिए, दिखाना जरूरी है फटाफट से। अभी शिमुर्तो से आया हूँ, वहाँ का व्लॉग बनाने का प्लान था बट वहाँ वो आ ही नहीं रहे, मम्मी भी ये थी साथ में, उनको छोड़ा घर पे, फटाफट भाग रहा हूँ रामपुर तिराहे। सारी बातें बाद में करेंगे, अभी के लिए जाके डीजे पकड़ लेते हैं और सबको अपडेट दे देते हैं कि भाई कौन सा डीजे कैसा था, क्या था, क्यों नहीं आ पाया अंदर, सारी बातचीत वहीं पहुंच के। भाई दिखा तो है, देखो एक डीजे लाइट है, किसी बड़े डीजे की है क्योंकि बहुत खतरनाक लाइट लगाई होती है, बहुत खतरनाक। देखते कौन सा डीजे है, गाड़ी लगा के साइड में को बहुत देर से वो चल रही थी दिमाग में, बसड़ कोई कह रहा कि आएंगे नहीं आएंगे, मैंने कहा ऐसी की तैसी मैं ही गाड़ी उठाता हूँ और देख के आता हूँ। ऑल्दो ऐसे में बाइक काम आती पर बाइक अपने पास ही नहीं फिलहाल। भैया मैटर लग रहा है कैडा, डीजे तो बाहर ही है, ये तो पक्का लग रहा है मुझे कि ये लाइटिंग ये भीड़ ऐसी नहीं सकती, बाहर ही है पक्का। वो रहा पता नहीं कौन सा है, बड़ा डीजे है, कोई बड़ा डीजे है। गाड़ी की लाइन लग चुकी, यही पार्क करते हैं अपन भी कहीं। जनता नहीं मानती भाई, अगर ये अंदर से नहीं आ रहे ना तो जनता नहीं आगे इनके लिए, क्योंकि भाई देखने लायक चीज होती है, देखने लायक। इसको तुम्हें दिख रही होगी लाइटिंग कैसी खतरनाक है, पता नहीं जाखोगे तो लाइटिंग होगी लाखों की। देखना एक बार जनता, देखो जरा जनता कहां से कहां तक खड़ी हुई, भीड़ ही भीड़ भाई, भीड़ ही भीड़। ये वाला कौन सा है पता है? अमर। अच्छा ये तो अमर है, अमर तो बन खड़ा, पता नहीं क्या हो गया, बात हूँ मच रही है, वो कौन है अभी देख के आते हैं। देखिए भाई कौन सा डीजे है, आवाज तो कैडी है। एक डीजे देखा मुझे नया, पहली बार देखा मैंने, नाम क्या डीजे का भाई? कहा के बताए मोदीपुरम मेरे डीजे में जानती भाई, बाकी बता रहा बाबा कृपा धमक बढ़िया थी, यहाँ भी मेरी यहाँ कंट्री में मेरे बढ़िया था भैया, बहुत बहुत बढ़िया भैया। मोनू और अमर वगैरह, मोनू और कसाना वगैरह पीछे है, बाहर जा रहा हूँ, साउंड की बढ़िया थी लौटने की, ऐसी बात नहीं। और बोले क्या क्या बढ़िया भैया। पब्लिक आ तो रही है पर पब्लिक वैसे निकल भी जा रही है क्योंकि हाईवे पे कितने लोग आएंगे, मेरे को देख के बुरा भी लग रहा है क्योंकि ये चीज अगर शहर के अंदर हो रही होती हमेशा की तरह, जो इस साल इन्होंने चेंज कर दिया, इस साल इन्होंने प्रथा तोड़ दी, तो अलग मजा आता वहां अंदर। अब यहाँ पता नहीं कैसे क्या हो रहा है बट स्टिल चलो जो भी है जैसा भी हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ क्या कंपटीशन मिल पाता है किसी का, कौन से डीजे मिल पाते हैं। अमर का तो फूके जनरेटर, तो अमर नहीं है गेम में। रामपुर तिराहा, ये रामपुर तिराहा हमारा शहर की फर्स्ट एंट्री अगर हरिद्वार साइड से आ रहा है घुसने की, यहाँ लगा दी मैंने गाड़ी अपनी। भाई बहुत मुश्किल हो रही है डीजे को ढूंढने में, एक तो इसलिए हो रही है कि बाइक से नहीं आया मैं, बाइक मेरे पास थी नहीं वैसे, तो गाड़ी पार्क कर दी मैंने, गाड़ी खड़ी रहेगी, अब ढूंढना पड़ेगा पैदल, ढूंढ के तो पक्का लाऊंगा आज। तो भाई इधर है रामपुर तिराहा है, डीजे तो एक वहां दिख रहा मुझे कोई ना कोई सा है, एक रामपुर तिराहा है, यहाँ से अंदर एंट्री होती है हमारे शहर में, यहाँ के हाल देखो एक बार यार, हाल देखो, फर्स्ट टाइम आया मैं इस साइड, तो खतरनाक सीन भाई, जाम ऐसा है हमारा, जाम ऐसा कि पुलिस वाले SSP साहब भी हमारे फंस गए जाम में, देखो सारी राड अटकी हुई है यहाँ पे। ये रामपुर तिराहा हो गया, यहाँ से रूल है कि यहाँ से अंदर नहीं आ पाएंगे, सारा मैटर यहाँ फंसा हुआ है। JCB लगा दी भाई JCB, और तो बताओ और क्या लोगे, ऐसा कहीं होता होगा? देखो राड सारी हाट की हुई है, डाक का और सीधा जाए, कृपया धाई ने सितरफ से जाए हाईवे से, सारी राड हाट की हुई, वो लगा दी JCB के अंदर घुसने ही नहीं देंगे इस बार भाई, टाइट है मामला इस बार, सारे के सारे वहां फंसे हुए, सारे के सारे अंदर आने को मना साहब, देखो ये भी अंदर आने की ट्राई कर रहा बेचारा भाई मेरा, ये कसाना इसका मैंने ब्लॉग बनाया था लास्ट अभी। देखो भाई सबको बाहर का बाहर निकाला जाएगा, भीड़ देख लो, भीड़ का साफ देख लो क्या खतरनाक भीड़ लगी हुई, ये कसाना हो गया अपना, पीछे है करणवाल, उसके बाद जाऊंगा अभी उससे मिलेंगे, वहां उसने बजा रखा, तो जो कंपटीशन तो भूल जाओ, यहाँ होने वाला है, होगा तो आगे होगा, अभी तो कोई मामला नहीं है, अंदर जाने को साफ मना। ऐसा कहीं होता होगा कि डीजे को देखने के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है, पूरे देश में कहीं नहीं होता होगा, सिर्फ हमारे शहर मुजफ्फरनगर में होता है। ये भाई तुम्हारा शर्मा डीजे, शर्मा
चलो। बात में सही है, हर साल लगता है, आज पहली बार नहीं लगा। अगर पहली बार लगता तो हम भी कहते कोई बात नहीं। चलो चलो चलो, बहुत मस्त निकालो। गया भाई कसाना, गया मूड खराब, अंदर नहीं आ रहा, कहानी ये बनी है कि नहीं आ रहा कोई। लाइव में मैंने दिखाया 25 मिनट डीजे कसाना को अंदर नहीं घुसने दिया, तो कोई भी नहीं आ पाएगा। जो प्रशासन है बहुत टाइट है, लाइव से निकाल के कुछ क्लिप्स दिखा दूंगा कि कितनी इन्होंने हिम्मत करी, मतलब इन्होंने बहुत ट्राई करा, जो एसएसपी साहब उनसे बात करने का ट्राई करा, बट बात नहीं बन पाई। सारी पब्लिक नाराज है, लाइव की देखो वीडियो निकाल के दिखा रहा हूँ। इतनी पागल हुई पब्लिक, पब्लिक अलग अड़ रही थी, पुलिस अलग अड़ रही है, सब अपनी बात पर अड़े हुए थे। बट अल्टीमेटली जो कसाना है बाहर के बाहर शहर में नहीं आ पाएगा, और कोई भी नहीं आएगा इस बार शहर में। भाई डीजे अंदर से मना क्या करे, दिखाऊं कितना बुरा हाल हो रहा है। बेचारे डीजे वाले कैसे आ रहे हैं, खाली खाली गिनती के इन बीन 3:30 लोग चल रहे हैं साथ में। टाइम हो रहा है रात के 12:30। ये डीजे वाले भाई के साथ देखो, बड़े सेटअप है अपना, अच्छा खासा, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, लाइटिंग वाइटिंग बढ़िया है, कोई दिख रहा तो मैं डांस करता होगा। देखो ये गिनती के इन बीन 3:30 लोग डांस कर रहे हैं। ये डीजे वाला कौन सा है भाई, इसने तो आतिशबाजी भी रखी साथ में, देखना कैडा रखा सिस्टम। देखो कितना सेटअप लेके आया था अगला, के पटाखे पटाखे भी लेके आया था, पर क्या करें, मना तो मना है ना। देखो यहाँ पे स्टॉप लिया इन्होंने, ये विनायक भी यहीं आ गया, पुलिस खड़ी है बेसाब। पुलिस इसलिए ताक में कि किसी को भी घुसने नहीं देगी अंदर पुलिस इस बार, देखना कितनी पुलिस खड़ी है। चलो आग कैसे चला रहे हो आप, आग कैसे चला रहे हो, मैं अभी बता रहा हूँ, किसी खोले के भी लटने लग गया बोले, मार दो मुझे, तुम्हारे पास आते सब गोली मार दो मुझे सबके सामने। बोले मेरे घर में 6 मुकदमे हैं, मेरे पे मुसलमान होने का रखे एक और से। भाई अगर किसी भोले को तकलीफ हुई है तो मैं माफी मांगता। भाई देख लिया के कैसे डीजे को मना कर दिया, अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं बैठ के, वीडियो को भी बंद मत करना, सच में बहुत काम की बातें हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा भाई, लाइव गया था मैं, उसमें मैंने दिखाया कि डीजे कसाना भाई ने बहुत हिम्मत करी भाई, बहुत उसने ट्राई करा प्यार से, थोड़ा बातें बोल के सबको साथ में ले गए, ट्राई करा, बट प्रशासन ने नहीं आने, ठीक है जी। तो उस टाइम फिर जो अधिकारी साहब थे, जो टोपी में आपने देखा होगा, उन्होंने कसाना को प्यार से समझाया, तो लास्ट में अधिकारी जी ने हाथ भी जोड़ के धन्यवाद बोला कि शुक्रिया भाई, ठीक है जी। अब फिर एक और डीजे वाला है, उसकी वीडियो आई मेरे पास, तो उस वीडियो में जो डीजे वाला है उसने कुछ और ज़्यादा हिम्मत दिखाई, वो तो मान नहीं रहा था भाई, उसकी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी वैसे, वो मान नहीं रहा था। तो उसके लिए भाई जो अधिकारी साहब है, जो पुलिस वाले हैं, वो भी तो अपना काम ही कर रहे हैं, वो सबकी सहूलियत के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो गया, तो उन्होंने हल्का सा पैर पैसे मार दिया। चलो हाथ कैसे चला रहे हो आप, हाथ कैसे चला रहे हो, उससे बोला, गुस्सा हो गया कि हाथ कैसे लगा रहे हो। खैर चलो वो बात सुलट गई, फिर अधिकारी साहब ऊपर आए, थोड़ा ह्यूमन नेचर होता है, ऑल तो उनकी जॉब पेशेंस रखने वाली है, बट ह्यूमन नेचर का क्या करें, थोड़ा गुस्से में उन्होंने ऊपर चढ़े, वो गुस्से में थोड़ी उन्होंने बात करी, बात बूझ करके बहुत लोगों में आक्रोश आया। किसी भोले के लटने लग जाए, मैं अभी बता रहा हूँ, किसी भोले के भी लटने लग जाए बोले, आराम से बात कर रहे, बात कर लो। बट फिर अल्टीमेटली वही चला के नपाई वपाई, कि नपाई कराओ, कितनी नपाई है, 17 फुट का है, 16 फुट से ऊपर माना था, तो निकला कि 17 फुट का है वो, तो 17 फुट में भी पुलिस वालों ने बोला था कि हम जाने देंगे। शंकर भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, अगर 17 होगा तो निकलवा दूंगा। बट वो शायद 17.5-18 था। कुल मिला के बात ये भाई कि इसमें ना गलती प्रशासन की है, क्योंकि वो तो अपना काम कर रहे थे, और ना गलती डीजे वालों की है, क्योंकि वो हर साल आ रहे, तो वो साल भी उस उम्मीद में थे कि हम आएंगे। बट मेरा मानना है भाई कि डीजे के बिना ना सारी यात्रा जो है कावड़ की, सारा माहौल खराब हो गया, सारा मजा खराब हो गया। मैंने कल ही साथ एक और ब्लॉग बना रहा था मैं शिवमूर्ति का, शिवमूर्ति पर डीजे आने के खबर से पहले जो भीड़ थी और जो बाद में जो भीड़ थी, वो आप उस ब्लॉग में देखना, इसके बाद आएगा वो ब्लॉग। तो लोग सारे नाराज हो गए, क्योंकि सब लोग हर साल सालों साल से डीजे का वेट करते हैं आगे, और इन डीजे का नाम है, ये ब्रांड एक तरीके की, सारे के सारे भाई लगाते हैं सेटअप। जो कॉम्पिटिशन आपस का है, जो मैं भी इनके लिए बोलता हूँ, वो बात मजाक की अलग है, वो बात हटाओ, पर ये सारे के सारे खतरनाक सेटअप लगाते हैं लाखों करोड़ों रुपये खर्च करके। तो इनकी उम्मीद होती है कि भाई मुजफ्फरनगर में जाएंगे शिव चौक पर, हम भी आशीर्वाद लेंगे बोलेगा, और लोगों को करेंगे एंटरटेन। तो उस वाली बात से गुस्सा थे, अब प्रशासन को ये बात समझ नहीं आ रही थी, जो भी है जैसे तैसे भी अल्टीमेटली सारा माहौल खराब हो गया, यात्रा जो हमारी है उसमें सारा मजा किरकिरा हो गया, खराब हो गया। और दूसरी बात ये भाई,
कि लोगों को लगता होगा कि भाई डीजे की जरूरत क्या है, डीजे क्यों ले जा रहे हो, इतना हल्ला गुल्ला क्यों है वो। तो भाई एक बात है, देखो भक्ति भाव अगर जगाना है ना भाई, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्यों कि हल्ला गुल्ला भीड़ ज़रूरी क्यों है, उसका रीज़न भाई ये है कि एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, बाकी बातें छोड़ो। जो जनरेशन पुरानी है उनको भजन अच्छे लगते हैं अपने टाइम वाले, जैसे मेरे मम्मी पापा हैं वो शांत भजन सुनते हैं। आज की जनरेशन है, टाइम बदलता है। आज के एक सिंगर एक इन्फ्लुएंसर बन के आए मिस्टर कन्हैया मित्तल जी, उन्होंने एक गाना गाया जो राम को लाए उनको लाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ कि 18 से इंक्लूडिंग मेरी जनरेशन 27 वाली 30-35 तक की जो जनरेशन है वो उस गाने को सुन के उनके अंदर आधा भक्ति भाव जगा है। अब अगर आप मुझे या फिर मेरी जनरेशन को पुराने भजन सुनाओगे तो शायद उतना हमें फील नहीं आएगा, हमारा भक्ति भाव नहीं जगेगा। तो ये सब चीज़ें जरूरी भी हैं। शहर के बीच में निकल के जाना, जो भक्त नहीं भी है वो भी आके सुने, उसके भी रोंगटे खड़े हों, वो भी देखे कि भाई यहाँ क्या ऐसी भक्ति क्या भावना हो रही है। तभी तो ये जो बड़ी बड़ी कावड़ लेके आ रहे हैं ये सब दिखा रहे हैं अपना कि भाई हम हिंदू हैं, हम बोले के भक्त हैं। तो ये सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी भी है। बाकी कोई बोले कि डीजे तो आ रहे हैं छोटे वाले, तो वो वाली बात नहीं भाई, इनका नाम है, इनका ब्रांड है, इनके नाम पे लोग वेट करते हैं 5-5 घंटे खड़े हो गए। मैंने देखा लास्ट ईयर रात को 3-4 बजे एक डीजे आया था, लोग 9 बजे से वेट कर रहे थे, 6 घंटे वेट कर रहा था लोगों ने। वो वाली बात है कि भक्ति भाव जगाना है, अपने लोगों को समझाना है तो आज का तरीका अपनाना पड़ेगा। अब अगर जनरेशन इससे अफेक्ट होकर भक्ति भाव के साथ जुड़ रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? तो अब इसका कंक्लूजन क्या है, मतलब मेरा टेक इस पर क्या है? मेरा टेक इस पर ही है भाई कि पुलिस को तो क्या बोले भाई, पुलिस को तो कुछ तुम बोल नहीं सकते, वो अपना काम कर रहे। अब उनके एंड से खड़े होकर देखो तो भाई पूरा पूरा दिन खड़े रहते हो, इतने करोड़ों लोगों को निकालते हैं वो, तो उनकी भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तो वो भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होंगे, इसलिए थोड़ा सा अधिकारी साहब को गुस्सा भी आ गया। दूसरा इलाज मेरे हिसाब से ये था कि काम ऐसा करना चाहिए, एक हमारे यहाँ कहावत है कि ऐसा कर लो काम को रोटी मिल जाए शाम को। काम ऐसा करना चाहिए था भाई कि तुम तो देखो बड़े डीजे वाले हो, तुम्हारा नाम ही काफ़ी है, तुम शहर में आओगे ना, तुम चाहे सेटअप छोटा लाओ बड़ा लाओ कैसे भी लाओ, घुमा फिरा के लाओ, उसे बना के लाओ, वो तुम्हारे ऊपर है, लोग तुम्हारे लिए आ रहे हैं। डीजे कसाना, डीजे करणवाल, मोनू, अमर, ये भाई जो है तुम्हारा नाम काफ़ी है भाई शर्मा। तो जब तुमने पहले देख लेता जाते हुए कि भाई बाहर बोर्ड लगा, बहुत बड़ा बोर्ड लगा रामपुर दराय पर जो मैंने पहले ब्लॉग में दिखाया था कि 16 फिट से ऊपर का और चौड़ा उसके ऊपर का मत लेके आओ, तुम्हें एक बात पता थी, तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई तुम तो आर्टिस्ट लोग हो, और एक आर्टिस्ट को हाथ में होता है उसको पता होता है कि वो अगर उसको दिक्कत आ रही है ना, बीच में अड़चने आ रही हैं, थोड़ी ट्रिक्स और तिकड़मबाजी लगा के अपनी आर्ट को कैसे प्रेजेंट कर सकता है। तुम्हें क्या करना था ना भाई मेरे हिसाब से, बाकी एक सजेशन है लेना हो लेना वरना कोई बात नहीं, 16 फिट का अगर था ना रूल 16x16 का, तो भाई तुम तो यार खतरनाक आदमी हो, तुम सेटअप ऐसा बनाते ना कि 16 फिट के अंदर आता और तब भी वो बजने में खतरनाक होता, कि तुम्हारा उससे कंपटीशन भी होते, तुम शहर के अंदर भी आते, तुम्हारा ब्रांड भी बनता पूरा का पूरा, पब्लिक भी खुश होती, और पूरी यात्रा में हर साल की तरह 4 चांद लग जाते। तो तुम्हें करना चाहिए था, इसमें मैं तुम्हारी गलती नहीं बता रहा हूँ, इसमें मैं तुम्हारा कह रहा हूँ रिस्क लेने का तरीका। तुमने सोचा कि नहीं जाने देंगे, देख लेंगे प्रशासन को, तो प्रशासन तो भाई इस बार देखो योगी सरकार है, बहुत टाइट है मामला। तो वही वाली बात है कि मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ अपने मन से, इसलिए नहीं कि मुझे ब्लॉग्स बनाने थे, मैंने इस बार पूरी यात्रा में सिर्फ एक ब्लॉग निकाला डीजे का, ये दूसरा है, और मैंने 8 निकाले हैं यात्रा के, क्योंकि मेरा मेन मोटिव व्यूज गेन करने का नहीं डीजे के ब्लॉग से। लास्ट ईयर मेरे ब्लॉग पे 12 लाख होने वाले, उस पर डीजे के ब्लॉग से आए थे वो, बट इस बार मैंने सोचा हुआ था कि क्योंकि डीजे की ऑडियंस अलग होती है और मुझे अपने शहर को करना था रिप्रेजेंट, कि जो शहर के लोग शहर में रहते हैं उनको देख के अच्छा लगे घर बैठे बैठे, और जो शहर से दूर चले गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो बाहर रहते हैं उनको देख के अच्छा लगे, मुझे उन तक बात पहुँचानी थी अपनी। तो मेरा तो ये दूसरा ब्लॉग है, मेरा नुकसान वो नहीं है कि मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे, कुछ लोग अगर ये बात सोच रहे होंगे तो मैं परेशान हूँ, मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हारे आने से माहौल बनता है भाई, और तुम नहीं आते ना तो सब खराब हो गया, तो मज़ा नहीं आ रहा। खैर चलो भाई अब क्या कर सकते हैं, जो होना तो हो गया। ये था भैया डीजे की अपडेट, डीजे नहीं आ रहे और मेरे एंड से भाई डीजे का कोई ब्लॉग नहीं आएगा उसके बाद अभी फिलहाल, क्योंकि डीजे अब बाईपास क्रॉस कर चुके, ऑल द वो आ गया, मुझे अगर बनाना होगा मुझे व्यूज़ गेन करने होंगे तो मैं हाईवे पहुँच सकता हूँ, पर मैं नहीं जाऊँगा। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा भाई बची कुछ जो है डाक कावड़ बची, वैसे भी अब आज है 13 तारीख 13-14, आज और कल डाक कावड़ चलेगी, और अपना एक भोला अपना सब्सक्राइबर है वो 151 लीटर जल लेके आ रहा है, तो उसका वेट में हूँ मैं, उसका ब्लॉग बनाएंगे वो दिखाएंगे आपको, बाकी डाक कावड़ दिखाएंगे, और कल मंत्री जी भी आ रहे हैं अपना जल लेके। व्यूज़ की बात तो ऐसी है, मंत्री जी की बात से याद आया कि मुझे बुलावा आ चुका था कि मंत्री जी के साथ आप चलो 11 तारीख को और 14 को वापस आओ, मैंने वो मना कर दिया वहाँ पर, क्योंकि मुझे मंत्री जी के साथ जाके संजीव बालियान जी के साथ जाके ऐसे व्यूज़ गेन नहीं करने थे उनके नाम पे, मुझे अपने आइडिया अपनी मेहनत से अपना दिमाग लगा के शहर का जो चीज़ें हैं वो दिखानी थी, और शहर को करना था रिप्रेजेंट, जिससे कि मेरी वीडियो बार बार तक जाए और शहर का नाम अच्छा हो, जो हमारा नाम थोड़ा बदनाम सा है, तो मेरी कोशिश खाली वो है। खैर मैं जाऊँगा उसमें क्योंकि मंत्री जी कल आएंगे, तो मैंने बोला था कि जब आप आ जाओगे वापस तब मैं आऊँगा, तो जब वो शिवमूर्ति में कल आएंगे उसका भी आपको ब्लॉग दिखाएंगे बना के। खैर चलो करते हैं इस ब्लॉग का इवेंट, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा तो क्या मतलब, अगर ये अपडेट अच्छी लगी हो भाई के दी मैंने जाके, तो शेयर करना जितना हो सके लोगों तक पहुँचाओ ये बातें, और बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और कोई बात नहीं मन खराब मत करो,
नेक्स्ट ईयर लेट्स होप ये डीजे वाले दिमाग लगाएं और जो रूल्स हैं प्रशासन के वो थोड़े से रिलैक्स्ड हों तो ये अगले साल अंदर आ पाएं, क्योंकि अगर इनका मूड ख़राब हो गया डीजे वालों का और ये ना आए तो भाई यात्रा में फिर मजा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हमारे एरिया में ऐसी यात्रा होती है और हमारे शहर में स्पेशल ये सारे इवेंट्स होते हैं, तो लेट्स होप कि ये चीज़ें ख़राब ना हो। इस ब्लॉग का एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम और हर हर महादेव।